हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हम बात करने वाले सबसे कंट्रोवर्शियल, आप कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, पीएफ। हाँ जी, सही सुना है कि अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर और उस पर जो भी इंटरेस्ट है अब वो टैक्सेबल है। उस पर बहुत क्लियर कह गया, इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख टू बी टैक्स्ड। इसको लेके गवर्नमेंट एम्प्लाई और बहुत जगह बहुत तरह का डिससेटिस्फैक्शन भी है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। तो हम इसको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में पीएफ पे दो इम्पैक्ट हुए हैं, एक अच्छा एक बुरा है। तो हम पहले बुरे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो अच्छा ही है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बुरे पे बात करते हैं। तो जो निर्मला सीतारमन जी है, जब उन्होंने अपने बजट स्पीच दे रही थी, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीएफ, यानी कि अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, अब एक मेरा जो जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ, तो दो कंट्रीब्यूशन हो गए। तो जो एम्प्लॉय हैं उनके कंट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों किया गया। देखिए, होता क्या था कि जो हायर सैलरी के लोग थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होता था और वो ईई कैटेगरी में आता था, एग्जम्पशन की कैटेगरी में आता था। उससे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो टैक्स हारमोनी है वो नहीं हो पाता है। ये गवर्नमेंट का कहना है, मेरा नहीं कहना है, मेरा उस पर कोई टेक नहीं है। मेरा जो जो बजट है उस पर केवल बात करने का अधिकार, इससे ज़्यादा मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर। तो उनका कहना है कि ये जो टैक्स का बेनिफिट था वो सही नहीं था, उस तरह से ही इसको इंटरप्रिटेशन किया गया, समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर आपने 2.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो अब टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कैसे होगा? जो भी आपका टैक्स लेवल होगा, यानी कि अगर आप 30% के कैटेगरी में तो 30% और दूसरी कैटेगरी में तो दूसरी कैटेगरी में। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी 2,50,000 डिवाइडेड बाई 12, 20,833 रुपये से ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, मैं और इसको छोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बैलेंस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट अक्रू होगा वो टैक्सेबल होगा। यानी कि जो एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही क्लियर कट कहा गया, लेकिन ये अप्लीकेबल होगा 1/4/2021 से, यानी 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो बजट है वो पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो यानी इफेक्टिव डेट जो होगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, वो 1/4/2021 के बाद होगा। मैं उसके थोड़ा सा उनके जो लाइन है मैं वो भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। इन ऑर्डर टू रेशनलाइज अ टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इनकम अर्न बाई द हाई इनकम एम्प्लॉय, या हाई इनकम एम्प्लॉय की बात कर रही है, इस प्रपोज टू रिस्ट्रिक्ट टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इंटरेस्ट इनकम earned on the employee contribution to various provident fund to the annual contribution of 2.5 lakh rupees. This restriction shall be applicable only for the contribution made on or after 1 April 2021. उनके स्पीच में ये लाइन बहुत क्लियर था, हायर सैलरी ब्रैकेट के लोगों के लिए। तो मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में है, बहुत लोग ऐसा नहीं है कि हायर कैटेगरी में है। हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेविंग करने के लिए। तो अब आप इस चीज़ में ना रहें, इस गफलत में ना रहें कि अगर आप प्योर फंड में जितनी सैलरी उसका 60% 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट आपसे खींच लिया गया है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख या 20,833 रुपये के ऊपर है पर मंथ, आप उस पे इंटरेस्ट जो भी इंक्रू होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। पहला पीएफ। दूसरा एक और चेंजेस आया, गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अब हो क्या रहा है, लोग ने पीएफ तो आपका काट लिया, डिपॉजिट टाइमली नहीं करते, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है कंपनीज को, वो लॉस रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लेके आए कि अगर आपका कोई भी जो कंट्रीब्यूशन है टाइमली डिपॉजिट नहीं होता है, तो जो कंपनी है या जो जो भी वो प्राइवेट लिमिटेड हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, उन्हें ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगा किसी भी हाल में। यानी कि अब जो भी आपका डिडक्शन कट रहा है वो टाइमली डिपॉजिट होगा। अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो उस कंपनी के जो वो जो क्लेम करती है वो डिसअलाउड हो जाएगा। उस पर अब किसी भी तरह का कोई मरवत नहीं मिलने वाला, कोई रियायत नहीं मिलने वाला है। यानी कि अब 1 अप्रैल 2021 के बाद आपका पीएफ जो है वो टाइमली डिपॉजिट कंपनी को करने के लिए फोर्सफुली मैंडेट किया गया कि आप ये काम करें, क्योंकि
डिले होने की वजह से, एक मान के चले कि 2 महीने भी डिले हो रहा है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन था उस पर आपके इंटरेस्ट इनकम का लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का ये लॉ अमेंड भी कर रही है। तो पीएफ में बेसिक दो चेंजेस हुए, एक तो आपके बेनिफिट की बात थी, एक आपके नुकसान की बात थी। आज के लिए इतना ही, हम फिर से कोशिश करेंगे छोटे छोटे टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं क्योंकि इस पर बहुत कन्फ्यूजन है। इवन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका कितना लॉस हो रहा है, अगर आपने 20,833 के ऊपर है तो आपका कितना लॉस है वो भी हमें बताएं। इवन अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें, हम कोशिश करेंगे आपको उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, टैक्स फॉर वेल्थ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।